लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिके हो तुम लोग, क्या कीमत लगाई है तुम लोगों ने मेरे भरोसे की? मैं बताता हूं सर, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। हा? क्या हुआ भाभी, क्या हुआ बच्चों को? वो शंकर सिंघानिया के बेटे ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। कह रहा था कि उसका कोई आदमी तुम लोगों के पास कैद है, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मेरे कत्ले में राणा को मार डालेंगे। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, प्लीज उस आदमी को छोड़ दीजिए, प्लीज। नहीं भाभी, हम उसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं बैठती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को बचा। मनोज छोड़ो उसे। मम्मी, देखिए मैं आपके आदमी को लेकर आई हूँ। आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं इसे लेकर आई तो आप मेरे बच्चों को छोड़ देंगे। आप तो मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। ए, छोड़ दो उन्हें। मेरे पापा के खिलाफ गवाही देगा तू? सर, आपके लिए फर्ज जरूरी हो सकता है, लेकिन इनके लिए फर्ज के साथ साथ आप जरूरी हैं, आपका परिवार जरूरी है। सर आप ऐसा मत समझिए कि अगर एक गवाह अदालत नहीं पहुंचा आप जंग हार गए। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जो जंग आपने इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ शुरू की है, कसम परवरदिगार की, उस जंग के अंदर जीत आप ही की होगी सर। और जिस दिन सर आप जीत का सेहरा अपने सर पर बांध कर लौटेंगे, उस दिन सर आपको अपने बच्चों और बीवी की जरूरत का एहसास होगा। क्योंकि जब तक कामयाबी की खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो तो उस कामयाबी की खुशी का मकसद ही क्या है सर? इन लोगों ने आपके बच्चों की जान बचाई है, उसकी बहुत खुशी है, लेकिन इस खुशी से ज्यादा गम और दुख इस बात का है कि आपको दिया हुआ वादा ये लोग निभा ना सके। इसलिए आज ये सब लोग इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं। हम जैसे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका रुतबा बढ़ता है और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर गरीबों के लिए भारी पड़ता है, अमीरों के लिए नहीं। एनीवे एंजॉय द पार्टी। तो क्या आजाद को यूं ही छोड़ देंगे? आपको अरेस्ट किया था उसने, आपकी इंसल्ट की थी, इसीलिए उसे एक सबक सिखाना है ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे। और फिर शेर को जख्मी करके उसी की गुफा में चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो आजाद। बेवकूफ तो तुम हो जो इतना भी नहीं जानते कि सांप के बिल में हाथ वही डालता है जो उसकी जहर का तोड़ जानता हो। तोड़ जोड़ का हिसाब तो मैं तुमसे करूंगा डीसीपी, तेरे शरीर की हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा
कि तेरी आने वाली नस्ल तक इस दर्द को महसूस करेगी। मेरे शरीर को छोड़, तू अपने शरीर को आग देने वाले के बारे में सोच। क्या मतलब तुम्हारा? वो देख। पापा, पापा, पापा। बेटे तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, फिक्र मत करो बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ पागल हो गए तुम लोग? हटाओ बंदूक। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। पापा, बेटे, for God's sake, tell them to leave him. क्यों? सारी अकड़ निकल गई? छोड़ दो उसे। और सुन, तुझे भी मैं अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि तू एक देशद्रोही है, गद्दार है। और जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया, उस दिन मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, मार दूंगा। सर, वो चारों लड़के कौन थे, किस थाने के थे, बताओ मुझे। सर, वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो फिर बात दरअसल यह है सर, कि पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर पर आजाद को भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उसने उन चारों लड़कों को अपने साथ रखा है, यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग भी खुद दे रहा है। बस कुछ ही दिनों में उन्हें पुलिस की वर्दी भी पहना देगा। साला फ्रांसिस को भी उसने इन्हीं चार लड़कों के कब्जे में रखा था। उस दिन फ्रांसिस के साथ साथ उन चारों लड़कों को भी मार देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। डीसीपी ने तुम लोगों के सर पर हाथ क्या रख दिया? अपने आप को डीसीपी समझने लग गए तुम लोग? मुझ पर रिवॉल्वर रखा तुम लोगों ने? बहुत जोश में थे ना उस दिन तुम लोग? बहुत गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में? अब मैं निकालता हूं तुम लोगों की गर्मी ही। अगर मैंने तेरे डीसीपी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया, तो मेरा नाम भी संजय। डीसीपी के चमचे। खत्म कर दो साले को। Thank you.
रहीम उस रहीम तुझे कुछ नहीं होगा। रहीम तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगा भाई, तू एकदम ठीक हो जाएगा। सर I'm sorry sir. नाज तुम पे करे ये जमीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथी हम चले दे चले अपना जान ताकि जीता रहे। डीसीपी आजाद, पहचाना मुझे? तुमने जंग का ऐलान किया, मैंने शुरुआत कर दी। सुना है तुम्हारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाने वाले हो, है ना? तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर बहुत जल्द ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एक का तो प्रमोशन हो गया, बाकी तीनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर होनी को कौन टाल सकता है, सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है। हम निशाना किसी और को बनाते हैं, पर मरता कोई और है। अच्छा होना बुरा होना सब शंकर के हाथ में। जय भोलेनाथ। सर मैंने ही आपको फोन किया था। आप कौन हैं? जी मैं दीपक शर्मा, मैं इस कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ सर। चलिए चलिए सर। मिस्टर दीपक जी, इससे पहले भी आपको टेररिस्ट से कोई धमकी आई है? नहीं डीसीपी साहब, धमकी तो कभी नहीं आई, पर अभी अभी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहाँ से भागते देखा है, टेररिस्ट हो सकता है। आप उसे पहचान सकते हैं? यस सर, उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का कैप पहना है। दीपक? यस सर। यही? हाँ सर यही है। आइए आइए सुनिए सर। लवली पैर, गॉड ब्लेस देम। जीते रहो जीते रहो। आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा? अब तक आ जाना चाहिए था। आजाद क्या बात है? सर अब जरा अंदर चलिए। क्या हुआ सर? वो लड़का जो अंदर भाग कर गया ना, वो एक टेररिस्ट है। उसने अपनी जैकेट के अंदर बम्स छुपा के रखे हुए। व्हाट? यस सर। मैं बम स्क्वाड को वालेस करवा देता हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। आर यू श्योर? यस सर। कैरी ऑन। या
संजय, संजय, संजय बेटे, अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संजय, संजय बेटे, सर इस केस को कैसे डील किया जाए? हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। क्रॉस फायरिंग का नोट लगाकर केस को रफा दफा करो। सर वो टेररिस्ट तो भाग गया, अब किसी बात का खतरा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन डाल सकता है, ये सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो उसके रास्ते में आता है जाता है, और फिर हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं, मर कोई और जाता है। अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में है शंकर सिंघानिया, ऊपर वाले के हाथ में नहीं। और फिर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि कानून की कमजोरियों का भी फायदा उठाना जानता है, समझ गए ना? यार प्रताप तुमने तो कमाल कर दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। सर के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं, आज मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। इंजीनियर बनना चाहता था मैं, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। एक दिन फर्स्ट स्टेशन में आके मैंने चोरी की और पकड़ा गया। उस दिन अगर मुझे जेल हो गई होती तो मैं भी शातिर क्रिमिनल होता। लेकिन सर ने मुझे समझा, बहुत स्नेह दिया, बहुत मदद की मेरी, और आज मैं एक एमटेक इंजीनियर हूं। आजाद सर मेरे लिए भगवान की तरह है। थैंक्स प्रताप, आज तुमने एक मुजरिम को मारने में मेरी मदद की। शंकर सिंघानिया के बेटे को जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी वही सजा उसे आज मैंने दी। प्रताप अपना ख्याल रखना। जी सर। अंकल सब ओके है ना? हाँ भाई माहौल ठीक है ना? क्या बात है? प्रताप कहाँ है? क्या चाहिए आपको? तुम कौन हो? मैं इंजीनियर प्रताप सिन्हा का पिता हूँ। तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं है, टेररिस्ट है। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। मैं टेररिस्ट है। इंजीनियर बनता है? टेररिस्ट बोर्ड किसके लिए काम करता है? बोर्ड किसके लिए काम करता है? तो इसको छोड़ दीजिए, मेरे बेटे टेररिस्ट नहीं है, ये तो इंजीनियर है। आपको जरूर कोई गलतफहमी। पता शहर में कहां कहां ब्लास्ट करने की प्लानिंग है तुम्हारी? पता मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं जिसके लिए तू काम करता है, मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। आजाद, शायद तुमने इसे ठीक से पहचाना नहीं है। ये वही टेररिस्ट है जो उस दिन अपने जिस्म पर बम बांध कर शादी में आया था और तुम इसका पीछा कर रहे थे। नहीं याद आया? याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है,
ये उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला, बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम्हें क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर सबको रुलाऊंगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने ये साबित कर दिया था कि ये आदमी टेररिस्ट है। अब ये कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम, अब उठाओ फायदा, इस्तेमाल करो अपना दिमाग, ले चलो इसे।